इस साल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई गांवों में ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान विधायक प्रेमलता भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कुचाना हल्के में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा खटगढ़ कहसुन गांव में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी विधायक प्रेमलता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहीं। कहसुन गांव में जननायक जनता पार्टी हल्का अध्यक्ष देवेंद्र अत्री ने सीएम की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। ग्रामीण जनसभाओं में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विजेंद्र सिंह के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। क्योंकि हमने लगातार हरियाणा के सभी चुनाव 4.5 साल में जीते हैं और आप लोग तो साक्षी हैं। जींद के चुनाव के बारे में भी तरह तरह चर्चाएं की जाती थी। कांग्रेस के बड़े धुरंधर को, उनको भी बहुत मुश्किल से 300 वोट से अपनी जमानत बचा करके गए हैं। इसलिए 10 की 10 लोकसभा की सीटें इस बार हरियाणा की जनता। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज आपके सामने दो उम्मीदवार पीएम के, एक तरफ तो देश को समृद्ध सशक्त बनाने वाले नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। मतदाताओं को तय करना है कि देश की बागडोर किसको देनी है। राहुल गांधी के नाम से तो खुद कांग्रेस वाले वोट नहीं मांगते। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वालों को राहुल गांधी के नाम से वोट मांगने में डर लगता है कि कहीं राहुल गांधी के नाम से वोट मांगा तो वोट कम हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो देशद्रोह का कानून खत्म करेगी, इससे कांग्रेस की मंशा साफ होती। वो सेना जो माइनस टेम्परेचर में देश की पहाड़ की सीमाओं के ऊपर जाकर बर्फ की चोटियों पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, जिसके कारण से हमारा देश आजाद है, हमारी आजादी की सुरक्षा करते हैं, खुली हवा में हम सांस लेते हैं, उस आजादी को कोई भी खरोंच लगाने के लिए देश का दुश्मन प्रहार करेगा तुम्हारे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद सेनाओं को छूट देते हुए कहा कि जाओ और बदला लो, और वहीं कांग्रेस ही पूछते हैं कि घटना हुई कि नहीं, एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं। अरे सैनिकों के अगर अधिकारों को आप कम कर दोगे तो देश की रक्षा किसके भरोसे करोगे? देश की रक्षा बहुत पहले, हमारी थ्योरी है देश पहले बाकी सब बाद में, हमारी पार्टी बाद में, हमारा प्रदेश बाद में, हम बाद में, सब बाद में। बहरहाल अब देखना है कि बीजेपी का बढ़ता कुनबा और जन समर्थन बीजेपी को हरियाणा में कितनी सीट दिला पाता है। ये आने वाली 23 मई को ही पता चल पाएगा। विजेंद्र सिंह, टोटल न्यूज, जींद।